हेलो गाइस, दिस इज़ विश्वास। और आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि जो इंस्टाग्राम पे जब आप अपनी एक डीपी जो है अपलोड करते हैं तो फिर वो ऑटोमेटिकली जो है आपके फेसबुक पे भी अपडेट हो जाती है। तो फिर दोस्तों कई यूज़र चाहते नहीं है कि जो वो इंस्टाग्राम पे अपनी डीपी जो अपडेट करे वो ऑटोमेटिकली फेसबुक पे भी अपडेट हो। तो इस सेटिंग को ऑफ कैसे करते हैं वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों काफ़ी इजी जो है ये सेटिंग होने वाली है। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे अपने यहाँ पे सेटिंग्स पे चले जाना है, आपके इंस्टाग्राम की सेटिंग्स पे। उस पर जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको अकाउंट पे चले जाना है और अकाउंट पे जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे शेयरिंग टू अदर ऐप का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपको इस पर सिंपली क्लिक कर देना और यहाँ पे दोस्तों आपको सबसे ऊपर फेसबुक का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको इस पर चले जाना है। इस पर जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे अकाउंट सेंटर दिख रहा होगा, आपको इस पर क्लिक करना है। अकाउंट सेंटर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो यहाँ पे ये दे रखा है आपके आईडी, इस पर क्लिक कर देना। और फिर दोस्तों आपको यहाँ पे अपनी आईडी जो है वो चूज़ कर लेनी है। यहाँ पे चूज़ करने के बाद दोस्तों यहाँ पे लिख रखा है सिंक प्रोफाइल इन्फो। अगर दोस्तों आप इसे इनेबल करेंगे तो फिर वो ऑटोमेटिकली जो है वो सिंक हो जाएगी, और अगर आप यहाँ पे ये ऑफ़ करेंगे तो फिर ये नहीं होगी, ये सेटिंग ऑफ़ रहेगी। तो दोस्तों जो ये सेटिंग है ये मैंने पहले से ऑफ़ कर रखी है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।